फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन डूइंग अमेजिंग। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, हाय माय नेम इज कोमल। मैं अपने चैनल पे क्रिएटिव रिलेटेड कंटेंट डालती हूँ। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और उसके बाद जो मुझे छोटू सा बेल आइकन होगा उसे दबाना ना भूले, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालू आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ये मैंने साटिन का फैब्रिक लिया हुआ है और ये फैब्रिक 1.5 मीटर का है। इसकी कितनी विड्थ और कितनी लेंथ रखनी है हम वो देखेंगे। इसकी टोटल विड्थ है 45 इंच। इसकी टोटल विड्थ है। अब हम इसकी लेंथ नापेंगे। ये मैंने फैब्रिक को उल्टे साइड से पकड़ा हुआ है। इसकी टोटल लेंथ है 60 के आगे इसकी लेंथ है, तो हमें 150 इंच ही इसकी लेंथ रखनी है। इस तरह हमें फैब्रिक को सेट कर देना है। अब हम विड्थ के साइड से ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट में हमें 2 इंच पर मार्किंग करना है, इस तरह। आगे भी हम 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमें 1 इंच के 23 इंच लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, and 23. लास्ट में हमें फिर 2 इंच लेना है। इस तरह से हमारी टोटल विड्थ है 27 इंच। ये हमारी टोटल विड्थ है। लेंथ के साइड से हमें 29 इंच लेना है। स्टार्ट में हमें 2 इंच छोड़ देना है। फिर हमें 1 इंच के 25 इंच लेना है। इस तरह से हम विड्थ के साइड से 27 इंच लेंगे दोनों साइड पर, और लेंथ के साइड से हमें 29 इंच लेना है दोनों साइड पर। इस तरह से हम मार्किंग कंप्लीट करके लेके आएंगे चारों साइड से। इस तरह से मैंने चारों साइड पर मार्किंग कंप्लीट कर दिया है। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसे हमें कट कर लेना है। फिर हमें चारों साइड से 2-2 इंच छोड़ देना है। इस तरह से हमें चारों साइड पर 2-2 इंच छोड़ देना है। फिर हमने जो 1-1 इंच पर मार्किंग किया हुआ था उसे हमें पूरा कंप्लीट करके लेके आएंगे। इस तरह से हमारी एक साइड की लाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लेंथ के साइड से लाइनिंग कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम पूरा मार्किंग कंप्लीट करके लेके आएंगे।
ये हमारे दोनों साइड की लाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें मार्किंग करना है। फर्स्ट और सेकंड बॉक्स पर हमें इस तरह से ट्रायंगल शेप बनाना है, एक बॉक्स छोड़ देना है और सेकंड वाले बॉक्स पर इस तरह से हम मार्किंग करेंगे, एक बॉक्स छोड़ देंगे सेकंड वाले बॉक्स पर, इस तरह से मार्किंग करेंगे ट्रायंगल शेप में। फिर हमें थर्ड वाले बॉक्स पर क्रॉस में मार्किंग करना है, एक बॉक्स छोड़ देंगे और सेकंड वाले बॉक्स पर क्रॉस में मार्किंग करेंगे, एक बॉक्स छोड़ना है फिर सेकंड वाले बॉक्स पर क्रॉस में मार्किंग करना है, एक बॉक्स छोड़ना है फिर सेकंड वाले बॉक्स पर इस तरह से क्रॉस में मार्किंग करना है। फिर हमें फोर्थ और फाइव नंबर के बॉक्स पर इस तरह से ट्रायंगल शेप में मार्किंग करना है। फिर हमें नेक्स्ट वाले बॉक्स पर भी क्रॉस में मार्किंग करना है, एक बॉक्स छोड़ के। फिर हम एक बॉक्स छोड़ देंगे सेकंड वाले बॉक्स पर क्रॉस में मार्किंग करेंगे। फिर हमें नेक्स्ट पर भी ट्रायंगल शेप में मार्किंग करना है इस तरह से। फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे सेकंड वाले बॉक्स पर क्रॉस में मार्किंग करेंगे, एरो की मार्किंग करेंगे। फिर हमें नेक्स्ट बॉक्स पर एक बॉक्स छोड़ना है, उसके सेकंड वाले बॉक्स पर क्रॉस में मार्किंग करना है। फिर नेक्स्ट पर हमें एरो की मार्किंग करनी है। नेक्स्ट हमें वन बॉक्स छोड़ के सेकंड वाले बॉक्स पर क्रॉस में मार्किंग करना है। फिर हमें नेक्स्ट वाले बॉक्स पर एरो की मार्किंग करनी है। फिर हमें क्रॉस में मार्किंग करना है, एक बॉक्स छोड़ के। फिर हमें सेकंड वाले बॉक्स पर एरो की मार्किंग करनी है। फिर हमें एक बॉक्स छोड़ के क्रॉस में मार्किंग करना है। हमें एरो की मार्किंग करनी है। फिर हमें क्रॉस में मार्किंग करना है, नेक्स्ट वाले बॉक्स पर एक बॉक्स छोड़ के सेकंड वाले बॉक्स पर। फिर हमें लास्ट में एरो की मार्किंग करनी है। इस तरह से हमें पूरे कपड़े पर मार्किंग कंप्लीट करके लेके आना है।
इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिलना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एरो की मार्किंग है, उसे हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस तरह से सिलेंगे। फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर एंड थर्ड कॉर्नर, इस तरह से हम यहाँ पर डबल नॉट लगाएंगे। फिर हम सेकंड वाले एरो पर जाएंगे, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर। धागे में हमें इतना गैप रखना है। थर्ड वाले एरो पर हम जाएंगे, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर एंड थर्ड कॉर्नर। इस तरह से हमें पूरी एक लाइन कंप्लीट करनी है। इसी तरह से हमें एक लाइन कंप्लीट करना है, फिर हम सेकंड लाइन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकंड कॉर्नर। इस तरह से हम सिंगल लाइन कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमें एरो की मार्किंग पूरी कंप्लीट करनी है, फिर सिंगल सिंगल लाइन कंप्लीट करना है, एरो की मार्किंग कंप्लीट करनी है, फिर सिंगल लाइन कंप्लीट करनी है। इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। फ्रंट साइड से डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट करके लेके आना है। ये आप देख सकते हैं हमारा स्क्वायर कुशन कवर बन के रेडी हो चुका है। चारों साइड से इस तरह से हमें एक एक क्लिप्स पकड़ते हुए सिल देना है। फिर जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम बैक कवर कट करके लेके आएंगे। इस तरह से मैंने बैक कवर कट कर दिया है और यहाँ पर चेन अटैच कर दिया है। अब हम चारों साइड से सिलाई कंप्लीट कर लेके आएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा स्क्वायर कुशन कवर बनके रेडी हो चुका है। बैक साइड पे हमने इस तरह से जीपर लगाया हुआ है। मीटर में ये एक कुशन कवर बना है, 2 मीटर में आपके 2 कुशन आराम से बन जाएंगे। आप देख सकते हो ये हमारा तकिया कवर बनके रेडी हो चुका है। इस तरह से इसकी डिजाइन दिखेगी और बैक साइड पे हमने इस तरह से जीपर अटैच किया हुआ है। ये तकिया कवर 1 मीटर में एक बना है, तो आपके
दो मीटर में दो कुशन आराम से बन जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में शेयर कर देना। थैंक यू।